हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा। नाउ इट्स मी, होप यू ऑल आर गुड साइनिंग इन। एज यू नो दैट कि हमारा कोर्स एट का सीरीज चल रहा था और कोर्स एट में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप उन टॉपिक्स के वीडियो को जरूर देखें, आपका डेफिनेटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है कोर्स एट से रिलेटेड है, बीएड सेकंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम, जो कि हम बात करेंगे यूनिट फोर की। तो यूनिट फोर में जो हमारा टॉपिक है आज का, आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड देयर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन विद एजुकेशन विद रेफरेंस टू टैगोर एंड कृष्णमूर्ति। यानी कि यहाँ पर हम नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी कि राष्ट्रीयता, यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि सार्वभौमिकता, और सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष। यानी कि हम यहाँ पे तीनों को एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे विद इंटर रिलेशनशिप एजुकेशन एंड जो उसके रेफरेंस में किसके बारे में बात करेंगे हम, टैगोर एंड कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है एक एक करके सबको। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। देखिए, नेशनलिज्म का मतलब क्या, राष्ट्रीयता, ठीक है। राष्ट्रीयता का मतलब, देखिए, राष्ट्रीयता या नेशनलिज्म ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि इस पर हम कितना भी बात करेंगे तो वो क्या होगा, मतलब यूज़फुल नहीं होगा, है ना। हमारा अलग अलग पर्सपेक्टिव है नेशनलिज्म को लेकर या कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म को लेकर। कुल मिला के नेशनलिज्म की यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम उनके रेफरेंसेस में, कृष्णमूर्ति और टैगोर के रेफरेंस में बात करेंगे कि क्या होती है। तो बेसिकली राष्ट्रीयता क्या है, आपको पता है कि राष्ट्र के प्रति जो हमारे प्रेम की भावना होती है वही कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता कहलाती है, है ना। कोई भी राष्ट्र कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, लेकिन वो जो वहाँ पे पीपल रहते हैं, अगर वो अपना देश के प्रति या राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं तो वहाँ पे राष्ट्रीयता नहीं हो सकती। तो ऑटोमेटिक क्या है, राष्ट्रीयता का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। राष्ट्रीयता में आप हर धर्म के लोग, जाति के लोग, वहाँ का रहना, खाना पीना, लैंग्वेज, सारी चीज़ें भी क्या हैं, आपस में डिफ्रेंशिएट रखती हैं। क्योंकि देखिए, हर बंदे का पर्सपेक्टिव नेशनलिज्म के लिए सेम नहीं होगा। तो राष्ट्रीयता बेसिकली हम बीइंग अ इंडियन सिटीजनशिप या भारत के नागरिक होने के नाते अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि हम नेशनलिज्म को कैसे कंसीडर कर सकते हैं। ये कास्ट के बेसिस पे नहीं हो सकती है, रीजन के बेसिस पे नहीं हो सकती है, और ऐसी नैरो माइंडेड काइंड ऑफ सोच रखकर भी हम राष्ट्रीयता को लागू नहीं कर सकते। इवन देखा जाए तो जो राष्ट्रीयता की भावना होती है वो क्या होती है, वो राष्ट्रीयता की भावना ऐसी होती है देश के प्रेम के प्रति की, उसके आगे हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि हम देश प्रेम के लिए, राष्ट्र हित के लिए क्या करेंगे, अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर सकते हैं। तो ये है कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता। और देखिए, राष्ट्रीयता बेसिकली हमको क्या, एक दूसरे को प्रेम करने के लिए सिखाती है, देश को प्रेम करने के लिए सिखाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो राष्ट्र की संपत्ति है, प्राकृतिक संपदा है, कल्चर है, विभिन्न जातियां हैं, भाषाएं हैं, इन सब के प्रति कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट सा शो करती है, है ना। तो राष्ट्रीयता जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका जो क्षेत्र है वो काफी व्यापक है। और राष्ट्रीयता में कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो इंटर रिलेशनशिप की बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे, हिस्ट्री की, कल्चर की, बहुत सारे ट्रेडिशंस भी हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि आपको राष्ट्रीयता को समझा सकूँ कि राष्ट्रीयता बेसिकली है क्या, एक तरीके से देश प्रेम है। और जो व्यक्ति, आपको पता है कि, है ना, हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, एक तरीके की राष्ट्रीयता होगी। आपको पहले भी पता होगा कि जो भारत था वो पहले इतना पावरफुल नहीं था, बट आज के देश में अगर हम बात करते हैं तो भारत जो है वो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला गया है। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हम राष्ट्रीय की भावना लेते हुए अपने के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार होंगे जब भी देश को हमारी जरूरत होगी। तो दैट इज द कंट्रोवर्शियल टॉपिक। चलिए, पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम कि बेसिकली शुरुआत कहाँ हुई राष्ट्रीयता की। तो पहला पॉइंट यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूरोप। इसका सबसे पहला जो ओरिजिन हुआ था वो यूरोप से हुआ था राष्ट्रीयता का, और उस समय फ्रांसीसी क्रांति का दौर था। तो कुल मिला के चारों तरफ ये नेशनलिज्म वाली चीज़ें चल रही थी। फिर यूरोप एक्सपोर्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पहले यूरोप में स्टार्ट हुआ था, इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा कि राष्ट्रीयता क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन एग्री दैट नेशनलिज्म ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अगर आप देखेंगे कि पूरे देश में जब इसका प्रभाव अलग अलग चल रहा है तो बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस रहे हैं वो इस बात को एग्री करते हैं कि जो राष्ट्रीयता का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आधुनिक है। इसका जो मॉडर्न जो ओरिजिन है वो क्या है, मॉडर्न है। इसकी उत्पत्ति जो है वो आधुनिक है, कहीं इतिहास से नहीं लिया गया है। ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की है कि अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द सॉइल वेयर वन इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप टू लोकल ट्रेडिशन एंड स्टेब्लाइश
टेरिटोरियल अथॉरिटी हैड बीन प्रीवेलेंट थ्रू आउट हिस्ट्री इन वेरीफाइंग स्ट्रेंथ। देखिए आपको पता है कि हम जहाँ भी जन्म लेते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो जैसे आपको पता है कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए हमको अच्छा सॉइल जानना पड़ता है। फिर वो सॉइल अगर प्रॉपर तरीके से, सॉइल के माध्यम से जो प्लांट की रूट्स हैं वो अपने आप में जकड़ लेती हैं, तभी प्लांट को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिलता है। तो ठीक, यहाँ पर भी इस पॉइंट का यही कहना है कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है जिस मिट्टी में हम पैदा होते हैं, जिस मिट्टी में हम जन्म लेते हैं, तो वहाँ की जो लोकल ट्रेडिशंस होते हैं, जो टेरिटरी यानी कि जो शासन व्यवस्था होती है, और जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारी हिस्ट्री होती है, जो हमारी ताकत होती है, हम उनको छोड़ नहीं सकते। इसका सारे का प्रभाव हमारी किस पे दिखाई देगा? हमारी संस्कृति पे दिखाएगा। यानी कि संस्कृति का मतलब क्या हुआ कि हम अपने मूल्यों से अटैच्ड है, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, राष्ट्रीयता है, एक तरीके का जो नेशनलिज्म है या संस्कृति से लगाव है, वो भी क्या है, मूल्यों की तरफ जा रहे हैं। तो हम कुल मिला के हमारी ये ताकत है, हमारी नेशनलिज्म पावर जितनी अच्छी होगी, हमारा देश उतना स्ट्रांग होगा। यानी कि हमने बात की कल्चर से, हम अलग रहकर चीज़ों को, अगर हम बात करते हैं कि कल्चर को एक तरफ कर देते हैं और नेशनलिज्म को फॉलो करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कल्चर एक मतलब संस्कृति का प्रभाव होता है जो हमारे पूरी जनरेशन टू जनरेशन चलता है। और हम जो मूल्यों के प्रति लगाव रखते हैं, देश के प्रति जो प्रेम रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, नेशनलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। We can move on the next point. तो next point में हम देखेंगे, wait a minute, next point में nationalism may be defined as a sentiments, loyalty, sympathy which binds a group of people together through the common institution, culture and these creators only among them. यानी कि जो राष्ट्रीयता है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता की भावना भारत के लिए कोई नई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाँ ये मेरे लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट है या इंडिया के लोगों के लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। प्राचीन काल के भारत को देखेंगे तो वहाँ पर राष्ट्रीयता की इतनी बात नहीं हुई थी, लेकिन कोई भी विचारधारा आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम एकजुट हो जाते हैं ना। कोई भी वर्ल्ड, जैसे वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो अगर हमारे देश को कोई खतरा है, हमारे राष्ट्र को कोई खतरा है, तो हम सारे व्यक्ति भारत के नागरिक होने के नाते उस देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता कहीं ना कहीं आपके सेंटीमेंट्स हैं, आपकी लॉयल्टी है। सेंटीमेंट्स का मतलब कि हम किसी चीज़ के प्रति कितना लगाव रखते हैं, लॉयल्टी का मतलब हमारी जो ईमानदारी है, सिंपैथी यानी कि दया भाव रखते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम नागरिकों को एक साथ बांध कर रखती है और अपनी संस्कृति के तहत उनकी वैल्यूज़ को फॉलो करने के लिए रखती है कि अगर हम अपनी संस्कृति को आगे तक ले जाते हैं, अपनी संस्कृति के साथ साथ दूसरी की संस्कृति को रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम जो नेशन है पूरा उसको हम एकता के सूत्र में बांध कर रख सकते हैं। और यह एकता कहीं ना कहीं भारतीय चरित्र को और समान व्यक्तित्व की बात करते हैं, कौन, हमारे इंडिजिनस नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो नेशनलिज्म में आपको पता है कि हम जितने भी राष्ट्रीय त्यौहार हैं, कहीं ना कहीं हम, जैसे होली, दिवाली, आपको पता ही होगा, होली हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, रक्षाबंधन, ईद, बकरीद, ये सब क्या पूरे देश में मनाया जाता है ना। लेकिन पूरे देश में जो मनाया जाता है तो वहाँ पे हर धर्म जाति के लोग रहते हैं, लेकिन कभी उनके अंदर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होता है, तभी हम राष्ट्रीयता ला सकते हैं। जैसे ईद पे हम हिंदू लोग क्या करते हैं, मुस्लिम भाई लोगों के घर जाते हैं, उनको ईद की बधाई देते हैं, फिर उनके घर से सेवैयाँ लाती हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से होली का जो फेस्टिवल है, हम एक दूसरे के घर जाकर मनाते हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट रन कर सकता है। ओके, ठीक है। और कुल मिला के देखिए, नेशनलिज्म हमारे, जाहिर सी बात है, सिंपैथी है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम नेशनलिज्म को छोड़ नहीं सकते, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो नेशनलिज्म कंप्राइज सेवरल बेसिक एलिमेंट, कॉमन रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वॉर, एक्सेट्रा, बट नन ऑफ दीज फैक्टर्स बाई इट सेल्फ इज इनफ टू क्रिएट अ नेशन और नेशनलिज्म। देखिए, नेशनलिज्म कहीं ना कहीं किन चीज़ों को कर देता है कि इतने सारे जो पार्ट्स हैं हमारे कल्चर के, जैसे कॉमन की बात करते हैं, हम जाति की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, रिलीजन हो गया, हमारी परंपराएं हो गई, मान्यताएं हो गई, इतिहास हो गया, उसका भूगोल हो गया, हमारा युद्ध हो गया, लेकिन इन सब में से किसी भी एक पार्ट को अगर हम निकाल देते हैं और अगर हम बात करते हैं कि नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को हम आगे ले जा सकते हैं या उसके फैक्टर्स को हम देख सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। केवल ये चीज़ें ही, जैसे रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वॉर, ये सब जरूरी होने के साथ साथ हमारे अंदर, खुद के अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम राष्ट्रीयता को क्या कर सकते, क्रिएट कर सकें। और जो देखिए नेशन शब्द है, अपने आप में बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो इन सब चीज़ों के साथ साथ हमारी खुद की सोच भी मैटर करती है कि हम देश के प्रति कौन सी फीलिंग रखते हैं और देश के प्रति कैसी हमारी भावना है। वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो इन सिंपल वर्ड्स, नेशनलिज्म
कैन बी एक्सप्लेन एज द अटैचमेंट और फीलिंग ऑफ अटैचमेंट ऑफ वन टूवर्ड्स वंस नेशन स्टेट्स। देखिए, जो एक स्टेट होता है, जो एक नेशन होता है, अपने आप में देश के प्रति भावात्मक अटैचमेंट होता है, उन लोगों का भावात्मक लगाव होता है कि हमारे देश पर अगर कोई विपत्ति आती है तो हम अपनी देश की जो फीलिंग है, अपने देश के प्रति जो हम फीलिंग रखते हैं, भावनाएं रखते हैं, तो उसके लिए हम हमेशा बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। और आपको पता है, ये फीलिंग ही हमको क्या करती है, पूरे राष्ट्र को, पूरे स्टेट को एकता के सूत्र में बांध कर रखती है। अगर हम नेशन की बात करते हैं तो केवल यहाँ पे हम अपने नेशन की बात करेंगे, हमारे यहाँ नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट अलग होगा, लेकिन आप इंडिया के बाहर चले जाएंगे तो उनके यहाँ नेशनलिज्म का उनका कॉन्सेप्ट होगा। तो कुल मिला के हमारा जो अटैचमेंट है, फीलिंग ऑफ अटैचमेंट है, ये हमको एकता के सूत्र में बांध के रखता है। और देश का व्यक्ति जो होता है, जब भी भारत के लिए ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो वो बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये क्या है, उसका देश प्रेम है, ये उसकी राष्ट्रीयता है। वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो नेशनलिज्म सेव्स सोशल एग्जिस्टेंस फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन, है ना, बट ऑन कंट्रेरी प्रोटेक्ट्स स्ट्रेंथ सोसाइटी। कुल मिला के राष्ट्रीयता जो है वो समाज की अस्तित्व को बचाती है ना, मतलब डिसइंटीग्रेट होने से बचाती है, अलग होने से बचाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो समाज की ताकत भी कहीं ना कहीं क्या है, हमारी राष्ट्रीयता है ना। राष्ट्र हमको सुरक्षा, अगर राष्ट्र राष्ट्र हमको सुरक्षित रखता है तो हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी का जो डिपार्ट हो रहा है, सोसाइटी का जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, है ना। सोसाइटी के साथ चीज़ों को अगर हम लेके चलेंगे तो हमारे जो मन का सोच है, हमारे जो कॉन्शियसनेस है कि हमारा राष्ट्र या हमारा स्टेट कभी अलग फिलग ना हो, है ना, हम जो एक साथ ग्रुप नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं, सोसाइटी के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से निभाएं और हमेशा उनके सुख दुख में क्या करें, तत्पर रहें चीज़ों को करने के लिए। तो राष्ट्रीयता हमको इसके बारे में भी बात करती है। राष्ट्रीयता एक तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हम क्या करेंगे, दूसरे पर थोप देंगे, है ना। जब व्यक्ति खुद से चीज़ों को नहीं सोचेगा और खुद से उसका एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, तब तक राष्ट्रीयता के कॉन्सेप्ट को वो समझ नहीं सकता। कुल मिला के नेशनलिज्म की अगर हम बात करते हैं या राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो यहाँ पे हम धर्म के बारे में भी बात नहीं करेंगे, पर्टिकुलर किसी धर्म के बारे में बात नहीं करेंगे ना, ये हम ना धार्मिक चीज़ों की बात करेंगे, ना हम अधार्मिक चीज़ों की बात करेंगे, ना हम धार्मिक कट्टरता के बारे में बात करेंगे। कुल मिला के हमको पता है कि हम व्यक्ति एक दूसरे से क्या है, अटैच है। और कुल मिला के अगर ये मॉरल करप्शन है तो ये सारी चीज़ों को हम खत्म कर सकते हैं। एक तरीके का क्या, विरोधाभास तरीके का टेंट है या टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और देखिए, नेशनलिज्म की अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो नेशनलिज्म ऐसे नहीं हो सकता, है ना। नेशनलिज्म में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि आपका कास्ट हो गया, है ना, कास्ट हो गया, आपकी लिंग्विस्टिक हो गई, आपका रीजनलिज्म हो गया, आपकी भाषा हो गई, आपके आइडियल्स हो गए, फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो गई, नैरो माइंडेड सोच हो गई, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता को या हम बोल सकते हैं नेशनल इंटीग्रेशन को या नेशनलिज्म को ये ख़त्म करने का काम करती हैं। और इसका सबसे बड़ा ये है कि हमारा लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा नहीं है अगर हम बात करते हैं इसकी, तो आप इसको देख सकते हैं। नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोशिश की समझाने की। अब हम बात करते हैं थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनलिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनलिज्म में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वन नेशन ग्रुप फीलिंग्स डिस्टिंक्शन डिफाइंड टेरिटरी कॉमन इंटरेस्ट जनरल पिक्चर ऑफ द स्टेट। देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं नेशनलिज्म के करेक्टरिस्टिक्स की, तो हम सीधी सी ये बात बोल सकते हैं कि केवल यहाँ पे एक राष्ट्र की बात हो रही है। जैसे एक राष्ट्र में हम पीपल ऑफ इंडिया आ जाएंगे तो आप जो ये ग्रुप फीलिंग है सदस्यों की, यानी कि हम परमपिता के परमेश्वर के सदस्य हैं या हम उन्होंने हमको धरती पे भेजा है, तो यहाँ पर डिस्टिंक्शन की बात नहीं करेंगे, ठीक है, उनके टेरिटरी की बात नहीं करेंगे, हम एक कॉमन चीज़ों की बात करेंगे, जनरल पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे किसके, अपने स्टेट की, कि देखिए हर स्टेट क्या है, अपने आप में डिफरेंट है, हर नेशन अपने आप से डिफरेंट है, तो हर नेशन के अकॉर्डिंग उनका करेक्टरिस्टिक्स या नेशनलिज्म का करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होगा, ठीक है। फिर हम बात कर सकते हैं जो नेशनल निस्ट मूवमेंट होते, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है। नेशनलिज्म एक तरीके की विचारधारा है, अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो, जिसमें हमको क्या लॉयल होना पड़ेगा, चीज़ों के प्रति डेडिकेटेड होना पड़ेगा, हमें अपने राष्ट्र प्रेम को शो करना पड़ेगा और चीज़ों को और लोगों को बांध कर रखना पड़ेगा एकता के सूत्र में, हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ नैतिक संस्कृति होती है, हमारा कल्चर होता है, तो वो सब हमारी फिजिकल बाउंड्री हैं, उनको हमको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा। कुछ नोशंस होते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक सवर्निटी की बात करते हैं तो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, वी हैव द डेमोक्रेटिक पावर, तो हमारे पास जो डेमोक्रेटिक पावर है तो हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अभिव्यक्ति के अकॉर्डिंग सारी चीजों को कर सकते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं देश को क्या डिसइंटीग्रेट होने से बचाती है ना। और लिबरल एंड इंटीग्रल नेशनलिज्म की भी बात कर सकते हो, तो यहां पे हमने कोशिश की कि करेक्टरिस्टिक्स में आप इन सारे पॉइंट्स को डाल सकते हैं। ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो अब हम बात करते हैं, जैसे हमारा टॉपिक था कि हमको जो ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, नेशनलिज्म,
यूनिवर्सलिज्म, फिर इसके अलावा सेकुलरिज्म, ये तीनों कॉन्सेप्ट हमको आर्यन टैगोर और कृष्णमूर्ति के रेफरेंस से पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आर्यन टैगोर के अकॉर्डिंग नेशनलिज्म है क्या। तो जैसा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनलिज्म को भी खत्म किया है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं अपना मेन टॉपिक पे कि हमको जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है सबका, नेशनलिज्म का, यूनिवर्सलिज्म का, इसके अलावा सेकुलरिज्म का, सबको आर्यन टैगोर और कृष्णमूर्ति के रेफरेंस में पढ़ता है। तो अभी हम बात करते हैं कि आर्यन टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या पर्सपेक्टिव है नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता को लेकर। तो इनकी डेफिनेशन है यहाँ पे, हम इस डेफिनेशन को अच्छे से रीड करते हैं। चलिए, यस दिस इज द लॉजिक ऑफ द नेशन एंड इट विल नेवर हीड द वॉइस ऑफ ट्रूथ एंड गुडनेस, इट विल गो ऑन इट्स रिंग डांस ऑफ मॉरल करप्शन, लिंकिंग स्टील टू स्टील एंड मशीन टू मशीन, ट्रैम्पलिंग अंडर इट्स ट्रेड ऑल द स्वीट फ्लावर्स ऑफ सिंपल फेथ एंड द लिविंग आइडियल्स ऑफ मैन। मतलब इनका कहने का मतलब है कि हाँ, जो राष्ट्र है मतलब उसका एक लॉजिक है ना, राष्ट्र का तर्क है, और बेसिकली ये सच और अच्छाई की आवाज़ को कभी नहीं सुनेगा। आप इस चीज़ को जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे करप्शन है और हम इस करप्शन में कहीं ना कहीं आपस में घूमते रहते हैं, क्योंकि देखो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं नेशनलिज्म से आपकी जुड़ी हुई है। तो नेशनलिज्म में जो पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में क्या करते हैं, एक रिंग डांस की तरह लोगों को नचाते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो क्या है, भ्रष्टाचार है, कि मनुष्य को मशीन की तरह कंसीडर कर लिया, जहाँ पाया वहाँ नीचे लचार दिया। और जो व्यक्ति राष्ट्रहित के प्रति कभी कभी प्रेम को प्रदर्शित करता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से रौन देते हैं, लोगों के जो बिलीफ होते हैं कुल मिला के उसको तोड़ने का भी प्रयास करता है। कौन? आर्यन टैगोर का जो डेफिनेशन है कहीं ना कहीं बहुत ही विरोधाभास को प्रकट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी निगेटिव चीज़ें इन्होंने बोली है। तो कुल मिला के इनके कहने का मतलब है कि सरल मतलब जो बिलीफ है, हमारे बिलीफ में सभी जो मीठे फूल होते हैं मतलब स्वीट फ्लावर्स, और मनुष्य के अंदर जो आदर्श है वो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है, वो खत्म नहीं होगा, ठीक। तो उनका कहने का मतलब है कि नेशनलिज्म कुल मिलाकर एक क्या है, हमारा ये विश्वास भी हो सकता है कि उस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से लेके जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे नाइदर है ना, इसके नेक्स्ट वाले डेफिनेशन को हम कंप्लीट करते हैं। इसमें नेक्स्ट वाले डेफिनेशन में लिखा हुआ है, नाइदर द कलरलेस वैगनेस ऑफ द कॉस्मोपॉलिटन नॉट द फायर एंड सेल्फ आइडियोलेटरी ऑफ नेशनल वर्कशिप इज द गोल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, मानव भावना है यानी कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसका क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है। और यहाँ पे जो कलरलेस स्पष्टता, राष्ट्र के जो काम है जैसे उग्र लोग, आत्म पूजा है, फिर आपका मानव का इतिहास का लक्ष्य, मानव के इतिहास का लक्ष्य कुल मिला के क्या होना चाहिए कि हम कलरलेस चीज़ों को मतलब एक तरीके से रंगहीन बोल सकते हैं, हम टेस्टलेस बोल सकते हैं, कि पूरे वर्ल्ड में विद्यमान है। और यहाँ पे कुल मिला के हमारी जो भावना है ह्यूमन बींग का नेचर क्या होता है कि राष्ट्रीयता को निभाए, अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपने अधिकार का यूज करें। तो नेशनलिज्म के तहत इनकी इस भावना का क्या होता है, हाश होता है। तो यहाँ पे जो दो डेफिनेशन हमने देखी आर्यन टैगोर की, ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी को, खैर ये इनका पर्सपेक्टिव था इसलिए हमने इनको पढ़ा। चलिए अब मीनिंग के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलिज्म। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिकता, है ना। देश के संविधान में आपको पता है कि सभी को क्या बोला गया है, इक्वल बोला गया है, और सभी को ये बोला गया है कि हम कुल मिला के सार्वभौमिकता का मतलब सारे संसार में जहाँ पे जो रूल हो, रेगुलेशन हो, वो क्या हो, बिल्कुल सेम हो, कोई भी यहाँ पे अनइक्वल ना हो, सभी क्या हो, कुल मिला के सेम हो, है ना। यहाँ पे सार्वभौमिकता की बात की गई है ना, सार्वभौमिकता जो पूरे विश्व में व्याप्त हो। तो सार्वभौमिकता सभी के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था होने से है कुल मिला के। और आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पता है UEE का कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल या एलिमेंट्री एजुकेशन। तो कुल मिला के यहाँ पे इन्होंने कहा क्या है कि समाज में जो भी टेक्निक है, जो हम नए टेक्निक को यूज़ करने की ज़रूरत है, जितने भी देश के निवासी हैं उनको एक लेवल की शिक्षा दी जाए ताकि हमारा जो समाज है वो प्रोग्रेस कर सके, है ना। और आपको पता है कि हमको एजुकेशन लेने में किसी तरीके का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति में अगर हम आएंगे, जैसे जेंडर के बेसिस पे लोगों के बीच में अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे, तो यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमको फेल होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। फेल होता हुआ इसलिए दिखाई देगा कि आपको पता है कि प्राथमिक शिक्षा को बेटर बनाने के लिए हमने जो फैसिलिटी दी है, हमारे गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी दी है, वो कोशिश इसलिए की है क्योंकि हमारे भारत के जो लोग हैं वो क्या है, अशिक्षित हैं, है ना। अशिक्षित जनता को हम, अशिक्षित जनता है तो उसको हम शिक्षा के माध्यम से फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिससे जो समाज में बुराइयाँ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो बैड इविल्स हैं, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अंधविश्वास, छुआछूत, ये सारी चीज़ें आज कहीं ना कहीं हमारे समाज में क्या है, बहुत ही बुरी तरीके से इनका कब्जा हो गया। तो इनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से, है ना। तो हमको स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देनी है
और जब बच्चे स्कूल में शिक्षा लेंगे तो इन सारी बातों को क्या करेंगे, वो अपने दिमाग में एग्जीक्यूट करेंगे और उसका प्रॉपर तरीके से पालन करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, सभी के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था। और सार्वभौमिकता का मतलब देखिए, सभी जगह पर चीज़ें सेम हो। जैसे हमारा जो धरती है, हमारी जो धरती माता है, वो हमारे लिए क्या है, ब्रह्मांड है। और इस धरती पर जो हम लोग रह रहे हैं, हम सब फैमिली मेम्बर है। तो कहीं ना कहीं जो एक ब्रह्मांड है, इन सब चीज़ों की बात की थी और यूई के कॉन्सेप्ट के तहत बहुत सारी चीज़ें बोली थी। आप यूई का वीडियो देख सकते हैं, मेरे YouTube पे पड़ा हुआ है, आपको मिल जाएगा। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं हम, प्रिवेंशन की, रिटेंशन की, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि जो हमारा सोसाइटी है वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और वहाँ पे कोशिश की जानी चाहिए कि हम उनको ऐसी शिक्षा दें, उनको ऐसी मूल्यों की शिक्षा दें ताकि वो समाज का क्या कर सके, अहित कर सके, ताकि राष्ट्रीय एकता की भावना उनके अंदर बढ़े और वो अपनी नैरो सोच को क्या करें, ख़त्म कर सके, धार्मिक चीज़ों को ख़त्म कर सके, हिंसा के बारे में बात ना करें, अंधविश्वास के बारे में बात ना करें। तो इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अपने एजुकेशन के थ्रू। तो यूई के कॉन्सेप्ट में हम तीन चीज़ों को देख भी सकते हैं, फिर अभी हम आते हैं यूई के कॉन्सेप्ट में। मैंने तीन स्टेप भी हो सकते हैं, जैसे पहला आपका हो सकता है प्रोविज़न, मतलब प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर टू पे हम एनरोल, मैक्सिमम बच्चों को एनरोल किया जाना चाहिए। और नंबर थ्री पे मैक्सिमम बच्चों को रिटेन किया जाना चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स हैं, आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक की बात करते हैं। टैगोर हेल्ड दैट द एंटायर यूनिवर्स ऑफ इन वन फैमिली, मतलब टैगोर जी का ये कहना था कि सारा ब्रह्मांड जो है हमारा वो क्या है, एक परिवार की तरह है ना। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट में है आपका एजुकेशन कैन टीच पीपल टू रियलाइज वननेस ऑफ द ग्लोब, यानी कि शिक्षा क्या है, शिक्षा हमको ये रियलाइज कराती है कि हम धरती पे जो हैं हम सभी को एक नज़रिए से देखें। और शिक्षा लोगों को टीच करती है, लोगों को ये रियलाइज कराती है कि हम एक ग्लोब की तरह हैं और हमारा जो फ़ायदा होगा वो तभी होगा जब हम एकता के सूत्र में हमेशा बंधे रहेंगे। और शिक्षा हमको ये करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। इनका ये कहना है कि जो हमारा वैश्विक भाईचारा है, जो एकत्व की भावना है, कुल मिला के ब्रदरहुड की जो भावना है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना या अंतर्राष्ट्रीय समझ की बात होनी चाहिए, तो वो तभी हो सकती है जब एक दूसरे को हम भाई बहन मानेंगे, एक दूसरे के कामों में हम हेल्प करेंगे, उनको हमेशा सपोर्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एम है शैक्षिक दर्शन का, जहाँ पे एकत्व की बात करते हैं ना। एकत्व की बात करेंगे तो अंडरस्टूड है कि हम धरती पे जो जीव जंतु लोग रहते हैं, सभी लोग हम क्या हैं, एक ही परम पिता के संतान हैं। तो इसलिए यहाँ पे एकत्व की बात की जा सकती है यूनिवर्सलाइजेशन में, कि सभी के लिए चीज़ें क्या हो, सेम हो। वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर। तो पॉइंट नंबर फोर ये कहता है, द फीलिंग ऑफ वननेस कैन बी डेवलप्ड थ्रू द कॉन्सेप्ट लाइक द फादरहुड ऑफ गॉड एंड द ब्रदरहुड। मैंने वही चीज़ बोली कि अगर हम एक ही परम पिता के संतान हैं तो जाहिर सी बात है हमको एक जैसा फील भी होगा, एक जैसा दर्द भी होगा। तो इसलिए हमको ब्रदरहुड की भावना भी अपने अंदर क्रिएट करनी है, ताकि धरती पर जो लोग हैं उनके साथ क्या हो, इक्वलिटी का बिहेव शो हो, उनके साथ क्या हो, उनके साथ बुरा बर्ताव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इन सब चीज़ों को हमको ख़त्म करना है सार्वभौमिकता की शिक्षा लेकर। नेक्स्ट बात करेंगे हम, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यूनिवर्सलिज्म इज एन आइडिया बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव्स और एक्सटर्नल एटर्नल ट्रूथ दैट इज डिटरमाइंस एवरीथिंग, देयर फोर इज एंड मस्ट बी इक्वली प्रेजेंटेड इन ऑल ह्यूमन बींग। यानी कि सार्वभौमिकता क्या है, एक तरीके का आइडिया है, एक तरीके का विश्वास है, जो कि ब्रह्मांड के अस्तित्व की बात करता है, ब्रह्मांड के क्या उद्देश्य हैं, सच क्या है, हम सच को आगे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सब कुछ धरती पर सच ही हो सकता है, सच को प्रूव करने का क्या तरीका हो सकता है। तो सभी के लिए जो भी चीज़ें हैं मानव जाति के लिए, सभी के लिए क्या होगी, सेम हो। देखिए ट्रूथ, गुडनेस, ब्यूटी, हम सभी का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबके पास प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हम एक अच्छे नागरिक बनकर सारी चीज़ों को फॉलो करें, सारे नियम को फॉलो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं करप्शन हमारी सोसाइटी में है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन था बाय आरएन टैगोर। ओके, अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म का मतलब सार है ना, यहाँ पे धर्म निरपेक्षता की बात की हमने। तो धर्म निरपेक्षता में देखते हैं कि है, देखिए धर्म की अगर हम बात करते हैं, धर्म निरपेक्षता है ना, निरपेक्षता, तो धर्म निरपेक्षता की अगर हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर है ना, आपको पता है कि भारत क्या है, संस्कृतियों का देश है ना। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो क्या है, धर्म निरपेक्षता है ना, राजनीतिक उदारता है। यानी कि धर्म क्या हुआ, बेसिकली धर्म वो चीज़ है जहाँ जो व्यक्ति धारण करता है,
व्यक्ति को धर्म क्या करता है, व्यक्ति को अच्छा बनाता है, व्यक्ति को मानवीय गुणों से परिपक्व बनाता है, उन्हें उत्कृष्ट बनाने का काम करता है। हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारी संस्कृति, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं धर्म के अंदर आएगी। और भारत जो है वो धर्म निरपेक्ष कंट्री है, जहाँ पर हम धर्म की बात नहीं करेंगे, अधर्म की बात नहीं करेंगे, कट्टरपंथता की बात नहीं करेंगे। हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी आज़ादी है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमको यही अधिकार मिला हुआ है। तो कुल मिला के जो हमारा पूजा पाठ है, कर्म कांड है, नवाज प्रार्थना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी सेक्युलरिज्म के अंतर्गत आती हैं। और धर्म निरपेक्षता भारत की एक संस्कृति है, बहुत बड़ी संस्कृति है, जहाँ पे हम इन सब चीज़ों की बात कर सकते हैं। और ये केवल विचार नहीं है, हम अगर विचार करते हैं कि धर्म क्या है, तो धर्म आपको अच्छे से पता है कि हम हर व्यक्ति का धर्म अलग अलग है, लेकिन उस सबका मोटो क्या होता है, सभी के प्रति भावना, सभी के प्रति स्नेह, सभी का विकास, सभी का एक साथ लेकर चलना। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग पर्सपेक्टिव में हैं, लेकिन सभी को एकता का मार्ग दिखाते हैं, सच्चाई पे चलने का मार्ग दिखाते हैं। धर्म जो होता है पर्टिकुलर व्यक्ति को ये कल्चर नहीं देता है कि हमको अपने धर्म का रिस्पेक्ट करना है और दूसरे की संस्कृति को आदर देना नहीं है या दूसरे की संस्कृति को गाली देना है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। धर्म हमको क्या करता है, तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। जो कि व्यक्तियों के बीच में आपने देखा होगा कि कभी कभी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाती है, अपने अपने धर्म की बात करते हैं, लोग दंगा फसाद पर उतर आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि धर्म निरपेक्षता के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो भारत ना तो धर्मनिरपेक्ष राज हो सकता है, भारत जो है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसके बारे में ना तो हमने धर्म की बात की है, ना अधार्मिक होने की बात की है, ना हमने कट्टरपंथी सिद्धांतों की बात की है, ना गतिविधियों की बात की है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं भारत के परस्पेक्टिव में बेटर है। और इंडिया जो है वो क्या है, सेक्युलरिज्म कंट्री है, जहाँ पर ना स्टेट की बात होती है, ना कास्ट की बात होती है, ना कलर की, ना फेथ की, यह सारी चीज़ें। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इंट्रो देने की कोशिश की धर्मनिरपेक्षता के रिगार्डिंग। अभी बात करते हैं अपने पॉइंट्स की। तो हमारा पहला पॉइंट देखिए दे रखा है, द वर्ड सेक्युलरिज्म वॉज फर्स्ट यूज इन द 19th century बाय द जॉब जैकोब होलियो के, है ना। तो इनका जो है ये वर्ड जो सेक्युलरिज्म है या धर्म निरपेक्ष, सबसे पहले 19वीं शताब्दी में जॉर्ज जैकोब होलिक्वे द्वारा यूज़ किया गया था, ठीक है। नंबर टू की बात करते हैं, तो सेक्युलरिज्म इज़ अ सोशल एंड एथिकल सिस्टम, इट प्राइमरली एम्फेसाइज्ड ऑन नेचुरल एंड द कल्चरल इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग। कुल मिला के सेक्युलरिज्म क्या है, एक समाज है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, नैतिक सिस्टम है, जो कि सबसे प्रायोरिटी क्या है हमारा, कि हम जिस संस्कृति में रह रहे हैं उसको हम कैसे सुधारें मानव जाति होकर। यानी कि हम अगर मानव जाति में जन्म लिए हैं, तो हमारे धर्म का जो भी नियम है, जो भी रीति रिवाज है, सामाजिक चीज़ों में कैसे अच्छा हो सकता है, हमारे नैतिक क्या है, हमारे मॉरल क्या है, हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी होगी कि हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, तो हमारा सेक्युलरिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ डॉक्ट्रिनेंस एंड प्रैक्टिस दैट रिजेक्ट्स एनी फॉर्म ऑफ द रिलीजन फेथ एंड द वर्कशिप। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा पूजा पाठ है, वो कहीं ना कहीं एक क्या बोल सकते हैं, सिस्टम को डिफाइन कर सकता है, और ये रिजेक्ट कर देता है हमारी धार्मिक चीज़ों को, हमारे विश्वास को। क्योंकि देखिए हम संस्कृति के बारे में अगर हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते हैं, तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि जो हमारा पूजा पाठ है, हमारा जो पूजा करने का तरीका है, विश्वास, ये हिंदू में अलग होगा, मुस्लिम में अलग होगा, क्रिश्चियन में अलग होगा, सभी में अलग अलग में होगा। लेकिन धर्म के बेसिस पे हम इनको डिनाई नहीं कर सकते कि हम आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। ये हमारे खुद के बिलीफ है, हमारे माइंड के बिलीफ है, हमारे माइंड की वर्कशिप है कि हम इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति अपने धर्म के अकॉर्डिंग पूजा पाठ करता है, हर व्यक्ति अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग शादी ब्याह करता है, हर व्यक्ति अपने कल्चर के अकॉर्डिंग शादी ब्याह करता है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म को डिफाइन करती हैं। वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म रिक्वायर्स दैट देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन एंड द स्टेट शैल बी ट्रीट ऑल इक्वली रिलीजन। यानी कि भारतीय कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, तो हर धर्म का जो है वो समाज में क्या है, स्थान दिया गया है। हर धर्म के लिए हम अपने अंदर भावना रखते हैं। अगर हम अपने धर्म में बिलीव करते हैं ना, तो हम सामने वाले के धर्म में भी बिलीव करने की कोशिश करेंगे और उनकी अच्छी बातों को क्या करेंगे, अपने धर्म में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हम केवल अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, बट दूसरे के धर्म का, संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, उनकी अवहेलना करेंगे, तो ये क्या होगा, ये धर्म निरपेक्षता नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो है वो सेकुलरिज्म कंट्री है, तो यहाँ पे हर धर्म के लोगों को एक साथ रहने की, एक साथ रीति रिवाज निभाने की, शादी ब्याह भाईचारा ब्रदरहुड फीलिंग सारी चीज़ें करने की फुल आज़ादी है और फुल फ्रीडम है। हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये अधिकार हमको दिया है। ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 में हम देखते हैं, इन द वर्ड्स ऑफ ग्रेट
महात्मा गांधी माई वेनरेशन फॉर द अदर फेथ इज द सेम एज फॉर एनी वन फेथ वी बिलीव इन द सर्वधर्म संभाव इक्वल प्लेस फॉर इक्वल फेथ एंड क्रीड्स। देखिए इनका ये कहना है कि हम महात्मा गांधी के जो महात्मा गांधी आपको पता है इनके महान शब्द हैं, इनका महान शब्द ये है सर्वधर्म संभाव, मतलब सर्वधर्म संभावना, सभी धर्मों में इक्वल विश्वास करना है आपको, सभी धर्मों का आदर करना है, सभी रिलीजियस जो हैं हमारी इक्वल वैल्यूज रखती हैं और कुल मिलाकर हमारे अंदर ये फेथ, हमारे जो बिलीव हैं, हमारे जो सेंस है पर्टिकुलर किसी एक धर्म के लिए क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। हमारे सारे धर्मों के बिलीव की बात करते हैं, यानी कि इक्वल प्लेस और इक्वल वैल्यू की बात करते हैं। हम इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि सार्वभौमिक का क्या धारणा होती है। कुल मिला के जब तक हमारे संस्कार जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे निभाते रहेंगे, तो सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग गांधी जी का जो ये बड़ा विचारधारा है सर्वधर्म संभाव, कि सभी धर्मों में बिलीव करना है, सभी धर्मों का आदर करना है, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देनी है और विश्वास भी करना है, जैसे कि हम अपने धर्म के बारे में बात करते हैं, तभी सभी को क्या इक्वल फेथ मिलेगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। तो यहाँ पर हमने बात की कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, अभी हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म जैसे नेशनलिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यहाँ पर सेक्युलरिज्म के भी हैं। सबसे पहला है मॉरल आउटलुक। तो मॉरल आउटलुक का मतलब नैतिक दृष्टिकोण, हम सभी एक दूसरे से क्या मॉरलिटी रखते हैं, हमारे अंदर दया होती है, प्रेम होता है, स्नेह होता है। नंबर टू पे बात कर सकते हैं, नंबर टू पे अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ द वाइडर विजडम, हमको जो अपना सोच है, हमारा जो माइंड है, उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रॉड रखना पड़ेगा, व्यापक दृष्टिकोण का विकास है ना, मन के परे जो सोच सके वो क्या है, कुल मिला के हमारा सेक्युलरिज्म है। नंबर थ्री पे बात करते हैं प्लूरलिस्टिक आउटलुक। प्लूरलिस्टिक आउटलुक का मतलब कि बहुतत्ववादी दृष्टिकोण, हमको क्या करना है, एक ही जगह पर हमको जम के नहीं रहना है, है ना, हमको एक ही जगह पर जम के नहीं रहना है और हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, तभी हमारा विकास संभव है। यानी कि केवल हम एक ही धर्म की बात करेंगे, एक ही धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो वो हमारे लिए बेटर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का मतलब है लोकतांत्रिक मूल्य, जैसे हमारे लिए अपना कल्चर है वैसे दूसरे के लिए क्या है, दूसरे का कल्चर भी है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए सेम है, यानी कि अपने कल्चर के लिए जितनी फ्रीडम हम फील करते हैं सामने वाले कल्चर के लिए भी उतनी फ्रीडम दी गई है। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, हमारे अपने कल्चरल वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सिंथेसिस ऑफ स्पिरिचुअल एंड द मटेरियल। स्पिरिचुअल एंड मटेरियल का मतलब कि हम अपने आध्यात्मिक चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और हमारी जो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी उसको हम बचा के रखते हैं। फिर है ह्यूमैनिटेरियनिज्म, यानी कि धरती पे मानवतावाद है और मानव होने के नाते हमको अपने अंदर ही सारी चीज़ें भर के रखनी है। ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पढ़ा, सेकुलरिज्म पढ़ा, नेशनलिज्म पढ़ा, आर एन टैगोर के अकॉर्डिंग पढ़ा, यूनिवर्सलाइजेशन पढ़ा, सेकुलरिज्म पढ़ा, अभी हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारा जो ये नेक्स्ट पॉइंट है इसी में आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर एट। तो पॉइंट नंबर एट हमको क्या कहता है, ऑल द एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ स्कूल मस्ट स्ट्राइव फॉर द इंक्लेशन ऑफ द वैल्यूज लव ट्रूथ एंड टॉलरेंस। मतलब स्कूल हमको ऐसी एक्टिविटी और ऐसे प्रोग्राम कराए जहाँ पे हम प्रेम, सच्चाई और सहिष्णुता के मूल्यों के विकास के बारे में बात करें, है ना, ना कि केवल धर्म के बारे में बात करें। तो स्कूल प्यार के बारे में बता सकता है, सच के बारे में बता सकता है, सहिष्णुता के बारे में बता सकता है। तो हमें ऐसे प्रोग्राम स्कूल में अरेंज करने चाहिए ताकि धर्म के आधार पर शिक्षा ना दी जाए। तो ये हमने बात की यहाँ पे सेकुलरिज्म की। अब हम बात करते हैं, हमने आर एन टैगोर को ख़त्म किया, तो अभी हम बात करते हैं कृष्णमूर्ति के कंटेक्स्ट में कि नेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म और सेक्युलरिज्म क्या है। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट इनके अकॉर्डिंग देखिए क्या दे रखा है। इनके अकॉर्डिंग दे रखा है नेशनल नोशन, यानी कि नेशनलिज्म नोशन का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद की धारणा बोल सकते हैं हम, है ना। और हम ये तीनों कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन इन द ट्रू सेंस इज ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू बी मैच्योर एंड फ्री टू फ्लावर ग्रेटली लव गुडनेस एंड असेंबल अंडर द नोशन। यानी कि यहाँ पे अगर हम राष्ट्रवाद की धारणा की बात करते हैं तो शिक्षा है सही अर्थों में व्यक्ति को क्या मैच्योर बनाती है, फ्री होने में हेल्प करती है, उसके अंदर प्रेम, उसके अंदर अच्छा, ये सारी चीज़ें कौन डालती है, शिक्षा डालती है। और जो शिक्षा होती है वो सभी व्यक्तियों को एक राष्ट्र के तहत इकट्ठा करती है ना। उसके हिसाब से क्या लगता है कि नेशनलिज्म क्या होगा, कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग इनका ये कहना है कि जो राष्ट्रहित होता है वो सर्वोपरि होता है और राष्ट्रहित के सुख के आगे कोई भी सुख उतना मैटर नहीं करता जितना राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति होते हैं। यानी कि सारे सुख की बात की जाए तो सारा सुख एक तरफ है, हमारे राष्ट्र के प्रति का प्रेम सुख एक तरफ है, इसी के लिए हम बहुत सारे बलिदान देते आए हैं। जैसे इंडिया को आज़ाद कराना था तो वो भी क्या था, वो भी एक विचारधारा था। तो नेशनलिज्म कहीं ना कहीं एक आइडिया हो गया। ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में कृष्णमूर्ति बिलीव दैट द बोथ नेशनलिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन आर बेसिकली डाइवर्सिंग बिकॉज द सेंस ऑफ आइडेंटिटी दे फोस्टर इन द इंक्लूसिव। अगर इसकी बात करते हैं तो कृष्णमूर्ति का ये कहना था कि जो राष्ट्रवाद है
और जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, दोनों क्या है, हमको अलग करने की बात करते हैं, दोनों डिवीज़न करने की बात करते हैं. क्यों? क्योंकि जो जिस धर्म को, मान लीजिए हम जिस धर्म में पैदा होते हैं, तो हमारे अंदर उस धर्म की पहचान की भावना होती है और उसी धर्म को हम सर्वोपरि मानते हैं. तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, इनका एक तरीके का डिविजनबल चीज़ है कि धर्म की बात करके हम लोगों को अलग कर सकते हैं, तो ये राष्ट्रीयता में नहीं आएगा. नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रदरहुड इज़ एन आइडियल, ही अरेस्टेड हिज लेटर राइटिंग्स, द फैक्ट इज़ दैट द मेन एरिड वुमेन डू नॉट अलाइव. मतलब भाईचारा जो है ना, एक क्या है, एक आइडियल है ना, एक आदर्श है. और आदर्श होने के साथ साथ उन्होंने ये चीज़ों को लिखा है कि जो इस धरती पे जैसे भेदभाव नहीं होना चाहिए ना, मेल जो मैन और वुमेन है उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो मेल और फीमेल हैं उनको हमेशा एक यूनिटी के तहत रहना चाहिए, उनके अंदर कोई भी ऐसी भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए. ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो सेक्युलरिज्म मोशन की बात करते हैं. इससे पहले हमने नेशनलिज्म मोशन की बात की. तो सेक्युलरिज्म मोशन की बात के बाद धर्मनिरपेक्ष धारणा है ना, तो एजुकेशन शुड हेल्प वन टू फील फ्रीडम ऑफ माइंड एंड द फियरनेस. यानी कि हमको शिक्षा ऐसी देनी चाहिए ताकि जो बच्चा हो वो फ्री हो और उसके मन की स्वतंत्रता हो और वो किसी से डरे ना. हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि बच्चे इसमें हेल्पफुल हो. और सही मायने में शिक्षा जो होती है ना, व्यक्ति को फ्री करने के लिए काम करती है, व्यक्ति को मैच्योर बनाने का काम करती है. और कहीं ना कहीं प्रेम और अच्छाई, मतलब प्रेम और अच्छाई के क्या चीज़ों को बात कर सकते हैं, प्रेम और अच्छाई के बारे में बात करती है हमारी अच्छी एजुकेशन. तो हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं. फिर एजुकेशन इज टू सेंस शुड हेल्प इंडिविजुअल टू फ्री एंड मैच्योर टू ब्लॉसम. यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो जो व्यक्ति की शिक्षा है, व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिलनी है, जो परिपक्व होना है, उनके अंदर प्रेम और अच्छाई के फूल खिलने में हेल्प करती है कौन, शिक्षा. शिक्षा हमको बनाती है, सभ्य बनाती है, हमको एनिमल के व्यवहार से ऊपर उठ के पढ़ना सिखाती है ना, इनेट पावर टेंडेंसीज, ये सारे डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कौन करती है, शिक्षा. और शिक्षा भी हमको कहीं ना कहीं धर्म निरपेक्षता को आगे ले जाने की बात करती है. कुल मिला के हमको बिलीफ में जकड़ने की बात नहीं करती, हमको विश्वास में, परंपराओं में हमेशा ये नहीं बोला रहती है कि हम परंपराओं की जंजीरों से हमेशा जकड़े रहें. हम उन परंपराओं की जंजीरों को तोड़ सकते हैं जो हमारे लिए क्या हो, बेनिफिटेड हो और अडॉप्टेबल हो. फिर रिलीजियस एजुकेशन इन द ट्रू सेंस इज टू इनकरेज टू चाइल्ड अंडरस्टैंड हिज ओन रिलेशनशिप टू पीपल द थिंग्स एंड द मैच्योर. कुल मिला के अगर हम बात कर सकते हैं तो इस वाले पॉइंट में, जैसे आपको पता ही है ना कि जितनी भी हमारी धार्मिक शिक्षा है ना, हम बच्चों को ये बच्चों को दी जाती है और बच्चों को उनमें नेचर में अडॉप्ट किया जाता है और बच्चों को प्रकृति के साथ अपने संबंधों को, रिलेशनशिप बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए चीज़ों को समझाते हैं कि धर्म धार्मिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए. हम एजुकेटेड हैं तो हम धार्मिक चीज़ों की शिक्षा केवल चीज़ों को इनकरेज करने के लिए ले सकते हैं, लेकिन उस धर्म के विरुद्ध अपने धर्म को केवल रिस्पेक्ट दे, दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट ना दे और दूसरों के धर्मों के साथ रिलेशनशिप ना बनाएं तो ये गलत होगा. हम बच्चों को नेचर के साथ और कुछ बातों के साथ जोड़ सकते हैं और उनके रिलेशनशिप को बता सकते हैं. ओके, देयर इज नो एग्जिस्टेंस विदाउट रिलेशनशिप. यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो इस चीज़ की, तो हम ये बोल सकते हैं कि रिश्ते के बिना कोई अस्तित्व नहीं, यानी कि रिलेशनशिप का एग्जिस्टेंस जरूरी है अगर हम धर्मनिरपेक्षता के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं. तो वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नेसेसरी टू फील परफेक्ट टॉलरेंस फॉर ऑल एंड हार्टली इन द बिलीव्स ऑफ दोज अनदर रिलीजन जस्ट एज अ मस्ट. यानी कि कुल मिला के सभी के लिए क्या, हम अपने अंदर सहिष्णुता की भावना रखें जो कि जरूरी है. दूसरे के धर्म में विश्वास उतना ही करना है, दूसरे के धर्मों का भी हमको उतना रिस्पेक्ट देना है जितना कि हम स्वयं के धर्मों को समझने के लिए करते हैं. यानी कि कुल मिला के ऐसा नहीं करना है कि अपने धर्म को रिस्पेक्ट देनी है, पूजा पाठ करना है, चीज़ों को फैलाना है और दूसरे के धर्मों को हमको क्या करना है, आदर नहीं देना है. तो इस काम को नहीं करेंगे. वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर सकते हैं यूनिवर्सलिज्म नोशन. यहाँ पे हम ये कृष्णमूर्ति के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, एजुकेशन इज द ट्रू सेंस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ फॉर इट इज विद इन ईच वन ऑफ अस दैट द होल एग्जिस्टेंस ऑफ गैदर्ड. तो इनका ये कहना है कि अगर शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं, शिक्षा का अगर सच्चा अर्थ है तो हम खुद को कितना समझ सकते हैं ये मैटर करता है. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको खुद को समझना पड़ेगा, तभी शिक्षा हमको समझा पाएगी और तभी हम शिक्षा से कुछ ना कुछ बेटर सीख पाएंगे और अपने अंदर का जो व्यक्तित्व है वो शिक्षा के माध्यम से क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे. वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है, एज लॉन्ग एज द ग्लेयरिंग डिस्पैरिटीज लाइक रिच एंड पुअर, एक्सप्लॉयटर्स एंड द एक्सप्लॉयटेड, पावरफुल एंड पावरलेस एग्जिस्ट इन अवर सोसाइटी एंड डिविजन्स लाइक नेशनली रिलीजन कास्ट कलर एंड वेरियस डिवाइडिंग लॉयल्टीज प्रिवेल
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ब्रदरहुड अमंग मैन. मतलब इनका कुल मिला के ये कहना है कि हमको जब तक हमारे समाज में अमीर गरीब, शोषण करने वाला, शोषण सहने वाला, शक्तिशाली शक्तिहीन, ये सारे जो कॉन्सेप्ट रहेंगे जो कि इनइक्वालिटी को क्रिएट करते हैं, तो कुल मिला के हम मूल रूप से धर्म, जाति, रंग, है ना, इन सब चीज़ों को अगर लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हम डिवाइड होते चले जाएंगे. तो हमारा जो राष्ट्रीयता का कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सलाइजेशन इन सब का कॉन्सेप्ट है, भाईचारा का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी, है ना. कि अगर जैसे पुरुषों की, मान लीजिए पुरुष पुरुष हैं और उनके बीच भाईचारा का संबंध नहीं है, संभव नहीं है, तो वो चीज़ें कैसे करेंगे, सार्वभौमिकता की बात कैसे करेंगे. यानी कि हमको क्या करना है, भेदभाव को ख़त्म करना है, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है, रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में, कलर के बारे में हम बात नहीं करेंगे. ये सब क्या करती हैं, हमको कहीं ना कहीं अलग करने की बात करती हूँ. भाई देखिए, कहीं ना कहीं आर्टिकल्स में भी बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी पावर दी है कि हम किसी भी व्यक्ति को शिक्षा लेने से नहीं रोक सकते, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, वो किसी भी बर्थ प्लेस से बिलोंग करता है, वो किसी भी जेंडर का हो, नो मैटर करता है कि हम उसको एजुकेशन लेने से रोकें, ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है. वी कैन मूव ऑन द इफ वी आर टू चेंज रेडिकली अवर प्रेजेंट ह्यूमन रिलेशनशिप अवर ओनली एंड द इमीडिएट टास्क टू ट्रांसफॉर्म ऑल दिस थ्रू द सेल्फ नॉलेज. यानी कि कुल मिला के अगर हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो हमको अपने आत्मज्ञान से चेंज होना पड़ेगा, अपने सेल्फ नॉलेज के थ्रू अपने आप को इतना मॉडिफाई करना पड़ेगा कि हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करके तुरंत इमीडिएट अपना क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं थ्रू द एजुकेशन. अगर हमने अपने जो करेंट हमारे रिलेशनशिप हैं उनको बदलना है हमको नैतिक रूप से या मॉरली, तो हमारा एकमात्र ड्यूटी और इमीडिएट वर्क क्या हो सकता है, अपने खुद के ज्ञान से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं. लेकिन अगर हम खुद ही परिवर्तित नहीं होना चाहेंगे तो शिक्षा यहाँ पर हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा. हम शिक्षित होने के लिए तभी प्रिपेयर होंगे जब हम मेंटली स्ट्रांग होंगे और अपने माइंड में अच्छी चीज़ों को रखेंगे. वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. तो नेक्स्ट पॉइंट है दस वी कम बैक टू द सेंट्रल पॉइंट विच इज़ वन लेफ्ट. कुल मिला के हम ये कहते हैं कि क्या बोलेंगे हम, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना. तो इसकी जिम्मेदारी के कम अगर हमको पीछे आना है तो हम केवल इसी को सेंटर पॉइंट मान लेते हैं और हम ये अपने आप को ब्लेम नहीं करते. हम केवल बोल देते हैं कि हाँ ये यूनिवर्सलाइजेशन है, ये सेकुलरिज्म है या नेशनलाइजेशन है, सारी चीज़ें. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको सेंटर में लाते हैं लेकिन कुछ काम करने की कोशिश नहीं करते हैं और अपने आप विकास करने की कोशिश नहीं करते हैं. वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. तो नेक्स्ट पॉइंट है वी नॉर्मली डॉजेस दिस पॉइंट एंड इंस्टेड ऑफ अमंग ऑनिंग द अप रिस्पॉन्सिबिलिटी पुट द गवर्नमेंट रिलीजियस एंड द आइडियोलॉजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम क्या करते हैं ना, मतलब हम इन सब चीज़ों को मतलब सेंटर पॉइंट में तो मान लेते हैं लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने से बिल्कुल भी कतराते हैं. हमेशा हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हमारी सरकार जिम्मेदार. तो सरकार को और मतलब सरकार को हमेशा हम हर चीज़ों के लिए ब्लेम करते हैं, चाहे वो धार्मिक चीज़ें हों, चाहे वो धार्मिक विचारधाराएं, उनको जिम्मेदार ठहराते हैं. बट हम खुद की गलतियों को कभी काम नहीं करते हैं कि हम भी जिम्मेदार हैं हर रीज़न के लिए, हर कारण के लिए, हर दंगा के लिए, फसाद के लिए. चीज़ों को अगर शांतिपूर्ण तरीके से देखना है और हमको अपने देश में, राष्ट्र में शांति लानी है, तो हम सबसे पहले खुद को बदलेंगे, हम अपने आचरण को बदलेंगे, फिर हम दूसरे को बोलेंगे. हम कहते हैं ना, फर्स्टली मेंड योर वेज देन सी अदर्स. पहले हम खुद को सुधारें या खुद को देखें, फिर हम दूसरों के दर्पण की बात करें. तो शिक्षा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए पहले खुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी है. द गवर्नमेंट इज़ वॉट वी आर. और हम क्या करते हैं ना, सरकार को भी बोल देते हैं कि सरकार भी क्या है, जो हम हैं वही सरकार है. क्योंकि सरकार भी कैसे चल रही है, हम लोगों की भी तो बदलत चल रही है. हम अगर अवेयर नहीं है सरकार के प्रति तो सरकार भी हमको वैसे ही ट्रीट करती है. नेक्स्ट पॉइंट, द रिलीजियस एंड द आइडियोलॉजीज आर बट प्रोजेक्शन ऑफ अस. यानी कि हम जो धार्मिक विचारधाराएं हैं, हमारा जो धर्म है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम केवल प्रोजेक्ट करते रहते हैं, डिफेंस करते रहते हैं कि नहीं ये चीज़ें तो हो सकती हैं. हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बड़े बड़े दावे तो करते हैं, बट उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, उसकी विचारधारा को अपनी लाइफ में प्रोजेक्ट नहीं करते. हम केवल अपना बचाव करते रहते हैं, अपनी एक डिफेंस मैकेनिज्म अडॉप्ट कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अनटिल वी चेंज अवर सेल्फ फंडामेंटली देयर कैन नाइदर बी राइट एजुकेशन नॉर अ पीसफुल वर्ल्ड. यानी कि जब तक हम खुद को चेंज नहीं करेंगे तब तक शिक्षा हमको भी चेंज नहीं कर पाएगी. तो इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, अपने फंडामेंटल तरीके से या जो मौलिक रूप है, अगर हम नहीं बदलना चाहेंगे अपने आप को फंडामेंटली, तो हम कभी भी सही शिक्षा लेने के अधिकार नहीं है. और जब तक हम सही शिक्षा नहीं लेंगे तब तक हम अपने वर्ल्ड को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रख सकते. यानी कि अगर हमने खुद को चेंज किया तो हम अपने संसार को भी चेंज कर सकते हैं, अपने धरती को भी चेंज कर सकते हैं और देश में एकता की भावना को रख सकते हैं. तो यहाँ पे हमने जितने सारे पॉइंट्स पढ़े, यहाँ पे हम अपना वीडियो वन करते हैं और हमने यहाँ पे एक बड़ा टॉपिक ख़त्म किया. मैं एक बार स्क्रॉल कर दे रही हूँ, ठीक है. और सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था
धीरे धीरे सारे यूनिट 4 था ये, कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट की बात की, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड देयर रिलेशनशिप विद एजुकेशन विद रेफरेंसेस टू टैगोर एंड कृष्णमूर्ति। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म पढ़ा, फिर हमने बात की, इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनलिज्म पढ़ा, ठीक है। फिर हमने आर एन टैगोर के अकॉर्डिंग नेशनलिज्म पढ़ा, फिर आर एन टैगोर के अकॉर्डिंग हमने यूनिवर्सलिज्म पढ़ा, फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने सेकुलरिज्म भी पढ़ा। फिर उसके बाद हमने बात की, करेक्टरिस्टिक्स की बात की, फिर हमने कृष्णमूर्ति के कंटेक्स्ट में ये तीनों चीज़ें पढ़ी, नेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म नोशन। फिर हमने बात की सेकुलरिज्म नोशन की बात की, और अल्टीमेटली हमने बात की यूनिवर्सलिज्म नोशन। तो यहाँ पे हमने एक बड़े टॉपिक को कवर किया है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन, ओके। वीडियो थोड़ा भी बेनिफिटेड हो, हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरों को हेल्प कीजिए, ओके। कोई भी वीडियो में डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी माई कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, नाउ साइनिंग ऑफ लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्व।